अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, वहीं राजस्थान की 25 के 25 लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 25 के 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन किया और 24 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। नागौर की लोकसभा सीट पर उन्होंने RLP के साथ गठबंधन किया और इस सीट पर जीत हासिल करके हनुमान बेनीवाल सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल NDA से अलग हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी फिर से 25 के 25 लोकसभा सीट जीतने के लिए पूरा दमखम लगाने की तैयारी कर रही है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के अंदर प्रत्याशियों के चयन में भाजपा ज्यादा बदलाव नहीं किया था। यहाँ जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण या फिर टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इस बार भाजपा बदलाव के मूड में दिख रही है। बात करें जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की तो दोनों जगह भाजपा बदलाव करने के मूड में है। जयपुर शहर में रामचरण बोरा वर्तमान में सांसद है तो जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दोनों की टिकट कटने के पूरे चांस दिख रहे हैं। रामचरण बोरा उम्र के हिसाब से और राज्यवर्धन सिंह खिलाफत के हिसाब से, ऐसे में अब देखना होगा कि किसकी किस्मत कहां ले जाएगी। रामचरण बोरा 2014 के अंदर जबरदस्त वोटों के से चुनाव जीते थे, लेकिन राजधानी के अंदर सांसद के रूप में उनको जनता ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। यही कारण है कि 2018 के विधानसभा चुनावों में रामचरण बोरा कुछ सीटों पर चुनाव जीतने में नाकामयाब रहे। वहीं बात करें जयपुर ग्रामीण की तो जयपुर ग्रामीण की सीट परिसीमन के बाद 2009 में पहली बार चुनाव के दौर में आई थी। 2019 में चुनाव के बाद यहां पर कांग्रेस से लालचंद कटारिया चुनाव जीते थे। उसके बाद 2014 के अंदर मोदी लहर चली और भाजपा ने राज्यवर्धन सिंह को टिकट दिया। राज्यवर्धन सिंह चुनाव जीते और वो केंद्र के अंदर राज्य मंत्री भी बने, लेकिन राज्यवर्धन सिंह की कार्यशैली पसंद नहीं आई। केंद्र सरकार का कोई भी उनसे मिलने आता तो उनका मोबाइल बाहर ही रखवा देते। एक अलग मिजाज के राज्यवर्धन सिंह को 2019 के अंदर चुनाव के अंदर टिकट मिला, चुनाव जीते, लेकिन मंत्रिमंडल से उनका पत्ता साफ हो गया। अब वही मोदी सरकार 2024 में चाहती है कि रिपीट हो जाए, लेकिन ये तब ही हो पाएगा जब सांसदों में खिलाफत कम हो। ज्यादातर सीटों पर सांसद की खिलाफत हो रखी है, ऐसे में भाजपा और मंत्री मोदी के साथ हमेशा रहना चाहेंगे ताकि उनकी रणनीति काम आए, और उस रणनीति में लगभग एक दर्जन से ज्यादा सांसदों की टिकट लेते हैं। कुछ सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री के दौर से बाहर होंगे। ऐसे में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए करो या मरो की स्थिति बन गई है, लेकिन इतना तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जयपुर ग्रामीण से उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं बन पाएंगे, विधायक बनके ही वो अपना काम निकालेंगे। वहीं राज्यवर्धन सिंह ने अपने क्षेत्र में ऐसी ऐसी जगह दौरे कर लिए हैं जहां पूर्व सांसद और वर्तमान कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया भी नहीं कर पाए, लेकिन राज्यवर्धन सिंह का बर्ताव, उनका एटीट्यूड, उनका एरोगेंस, ये सब उनकी छवि खराब कर रही है, और ऐसे में उनका टिकट कट जाना भी लगभग तय है। अब सवाल उठता है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में भाजपा किसको टिकट देगी। लोकवार्ता न्यूज़ जयपुर।